हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको ऐसे ही स्टॉक्स बताने की कोशिश की जाती है जो कि आपको फ्यूचर में बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिखा सकते हैं और ताकि आप लोग भी आसानी से स्टॉक मार्केट में वेल्थ बना सकें। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आज के दिन भी निफ्टी ने न्यू हाई को टच किया है, लगभग 17,429 रुपये के आसपास का जो कि है। अगर आप लोग देखेंगे एनालिस्ट की राय तो आपको निफ्टी में न्यू हाइज लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको नए नए टारगेट देखने को मिल रहे हैं। लगभग 18,000 का टारगेट मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज हाउसेस और एनालिस्ट बता रहे हैं इस साल का एंड ऑफ द ईयर तक का। लेकिन जिस स्पीड से निफ्टी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि ये तो एक हफ्ते के अंदर ही 18,000 का लेवल टच कर सकती है। लेकिन दोस्तों, मार्केट में आपको एक तरफा रैली देखने को नहीं मिलती है, कभी कभी गिरावट भी आती है और तभी वापस से थोड़ा सा करेक्शन निफ्टी में आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि एक महीने में आपको देखने को मिला है 7% की रैली निफ्टी इंडेक्स ने दिखा दी है। ये किसी स्टॉक का परफॉर्मेंस हो सकता है एक महीने के अंदर, लेकिन निफ्टी इतनी तेजी से परफॉर्म करके दिखाए, आप लोगों को ये यकीन होना थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग सकता है। अगर हम लोग 6 महीने की बात करें तो 17% 16% के रिटर्न ऑलरेडी निफ्टी ने प्रोवाइड करा के दिखा दिए हैं और 2021 में धमाकेदार तेजी दिखाई है लगभग 24% के आसपास की। यहाँ दोस्तों, जहाँ बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक 2021 में 24% की रैली नहीं दिखाई, वहीं निफ्टी इंडेक्स ने आपको दिखा दी। और अभी भी ऐसा नहीं है, निफ्टी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा आपको हाई वैल्यूएशन में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। पी आप लोग देख सकते हैं 26.31 के आसपास ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। नॉर्मली जो पी चलती है वो 20 के आसपास की ट्रेड होती है, तो अभी 26 के आसपास तो ज़्यादा हायर वैल्यूएशन में ट्रेड नहीं हो रही है निफ्टी। जब 2021 की स्टार्टिंग आया था जनवरी के आसपास, तब आप लोग ने देखा था कि जो पी था 35 से 40 के आसपास चल रहा था, तब बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन में था। लेकिन अभी इतनी तेजी आने के बाद भी आपको पी बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा Q1 के रिजल्ट बहुत ही शानदार आते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते अर्निंग पर शेयर जो है कंपनियों का वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ है। और इसी के चलते आपको निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। बात होने वाली है दोस्तों वैभव ग्लोबल की। आपको मैंने कई वीडियो इसके बारे में बताए हैं, कई बार इस स्टॉक के बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने तब भी नहीं लिया है तो दोस्तों आप लोग आने वाले टाइम में ज़रूर मिस करेंगे इस स्टॉक को, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। आप लोग देख सकते हैं कंपनी फंड का कितनी बेहतरीन तरीके से यूटिलाइजेशन करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31.7% के आसपास की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35.39% के आसपास का है। मतलब कि कंपनी 100 रुपये में 35 रुपये कमाती है। अगर हम लोग बात करें कंपनी पर डेप्थ की तो 124 करोड़ का डेप्थ है। और कंपनी के पास रिजर्व की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा कंपनी के पास रिजर्व है। आप लोग देख सकते हैं 931 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास रिजर्व है। तो हम लोग बोल सकते हैं कंपनी अभी भी डेप्थ फ्री है, अभी वो कभी भी चाहे तो अपने रिजर्व से डेप्थ को पे कर सकती है। कंपनी ने ना ही केवल कुछ सालों से बल्कि कई सालों से लगातार अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। आप कोई भी साल ले लीजिए, 2012-13 से बहुत अच्छा कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। 2013 में निगेटिव प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, 86 करोड़ का कंपनी को लॉस हो गया था। 2014 में उसके बाद आप लोग देखेंगे 153 करोड़ के आसपास का कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिला, उसके बाद 103 करोड़ का, फिर 2016 में 40 करोड़, फिर 2017 में आप लोग देखेंगे 65 करोड़। फिर कंपनी की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होने लगी। 2018 में कंपनी ने 112 करोड़ कमाया, 2019 में 154 करोड़ कमाया, उसके बाद 190 करोड़ कमाया, फिर उसके बाद देखेंगे 272 करोड़ कमा के दिखाया, और ट्रेडिंग 12 मंथ में भी 318 करोड़ कंपनी कमा के दिखा रही है। तो मतलब कि लगातार कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाया है। इसीलिए आप लोग अगर स्टॉक की बात करें तो पिछले 10 सालों में 59% के CAGR से इस स्टॉक ने हम लोगों को परफॉर्मेंस करके दिखाई है। पिछले 5 सालों की बात करें तो आप लोग देखेंगे 65% के CAGR से हम लोगों को ग्रोथ करके दिखाई है। उसके बाद 3 सालों से कंपनी ने लगातार 78% के रिटर्न हम लोगों को प्रोवाइड करा के दिखाए हैं। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी के बिजनेस के बारे में कई बार मैंने आपको बताया, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और आप लोग जाके वीडियो देखिए तो आप लोगों को पता चलेगा कितनी बेहतरीन कंपनी है। मैंने 700 के लेवल पर ऑलरेडी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, बोला था बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है यहाँ से और कितना बेहतरीन बाउंस बैक आपको इस कंपनी के चलते दिखाई दे रहा है। और आज के दिन ही आप लोग लगभग लगभग 791 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिल रही है।
तो दोस्तों 52 वीक हाई तो इसका भी बहुत ही दूर है, तो अभी भी आप लोग इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। 1050 के आसपास का इसका 52 वीक का हाई है और वहाँ से काफ़ी नीचे अभी भी ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करिए। लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा इस स्टॉक में बनेगा, इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के साथ जो कि आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिखा सकें। तब तक के लिए बाय बाय।